राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा। विदिशा शहर के करीब 400 परिवार के सदस्य जिले के अलग अलग स्थानों पर हाट बाजारों में अपनी अपनी छोटी दुकानें लगाकर अपना और अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं। परंतु पूर्ण महामारी को लेकर ऐसे परिवारों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हुई हैं। लगभग 3 माह का समय गुजर गया, कोई काम धंधा नहीं होने से यह परेशान हाट बाजार संघ आज SDM कार्यालय आए, जहां उन्होंने अपना दर्द बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जब शहर का बाजार खुल सकता है, फिर ग्रामीण अंचलों में हाट बाजार करने वाले दुकानदारों को वंचित क्यों रखा जा रहा है। बद्री प्रसाद मालवी। क्या समस्या है? ये 3.5 महीना से साहब घर में बैठे, भोजनों से तंग हो रहा है, कोई हाट बाजार का कोई वो नहीं हो रहा। और जी लॉकडाउन के चक्कर में 3 महीना से बंद है, 3 से 3.5-4 महीना हो गए, सब पूरा मार्केट खोल दिया। हमारे हाट बाजारों के नाम कह रहे हैं कि कोई बाजार नहीं लगेगा। तो अभी किससे मिले थे आप? हम जो तहसीलदार साहब से मिले थे, इनने कह दी कि वो अभी नहीं लगेगा बाजार, अब SDM साहब से मिलेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण नेमा है। क्या समस्या आप लोग? हमारी समस्या है कि हम 3.5 महीने से हाट बाजार बंद पड़े हुए हैं, घर बैठे हुए हैं। इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हमको इजाज़त नहीं मिल रही हाट में दुकान लगाने के लिए। ऐसे कितने हाट बाजारी? कम से कम 400 परिवार हैं। ऐसे घर का लालन पालन कैसे कर रहे हैं आप? अब कुछ बेच के कर रहे हैं साहब, कुछ रकमे वगैरह गिरवी रख देते हैं या कुछ ऐसा। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू।